मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश में अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों को हमेशा अलर्ट मोड में रहने, किसी भी घटना की स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र रिस्पॉन्स देने के साथ ही राहत और बचाव कार्य को जल्द संचालित करने के निर्देश दिए। मंगलवार को खटीमा में बरसात से जल भराव के कारण प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी श्रीमती गीता धामी ने सहायतार्थ चेक वितरित किए। अत्यधिक बरसात से जल भराव के कारण कुछ परिवारों को श्रीमती धामी द्वारा सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। इन परिवारों को भोजन पानी आदि की व्यवस्था के साथ ही सहायतार्थ चेक उप जिलाधिकारी तहसीलदार राजस्व निरीक्षण आदि की उपस्थिति में वितरित किए गए। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने भारतीय जनता पार्टी जनपद अल्मोड़ा की जिला कार्य समिति की बैठक में प्रतिभाग किया, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाने, वनों पर अपने पुश्तैनी हक हकूकों व जिलाधिकारियों की मांग अब दिल्ली में भी उठेगी। मंगलवार को उत्तराखंड के जन संगठन और राजनीतिक दल इन मांगों को लेकर नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर उपवास पर बैठे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक धरना और उपवास चला। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और संगठनात्मक स्तर पर किए जाने वाले बदलाव की फाइल मंगलवार को भी आगे नहीं बढ़ी। माना जा रहा था कि पंजाब कांग्रेस का मुद्दा सुलझ जाने के बाद कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड के मुद्दे पर फैसला लेगा, लेकिन मंगलवार का दिन भी रिक्त चला गया। कोविड संक्रमण के फैलाव की आशंका के चलते हरिद्वार कांवड़ मेला 2021 रद्द है। पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने मंगलवार को कांवड़ियों को हरिद्वार आने से रोकने के लिए सीसीआर सभागार इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग की। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि दूसरे प्रदेशों से कांवड़ सेवा संघ हरिद्वार से टैंकर में गंगा जल भरकर ले जा सकेंगे, इसके लिए संघ को अपने जिला की पुलिस की अनुमति लेकर हरिद्वार आना होगा। फरवरी माह में रानीखेत में कराई गई सेना भर्ती की शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा में सफल हुए पिथौरागढ़ के चंपावत जिले के युवाओं की लिखित परीक्षा 25 जुलाई को सेना क्षेत्र में कराई जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भर्ती निरीक्षक के हवाले से सूचना विभाग ने बताया कि युवाओं को 24 जुलाई की रात्रि को 2 बजे प्रातः 6 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ की अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब हैं जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए।